नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर बार जब हम आपको अपने सेशन के साथ जोड़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी बातें भी और बहुत ही ज़रूरी चैप्टर्स के साथ सेशन के साथ हम लोग जुड़ते हैं आपसे, और हर बार हम एक एक्सपर्ट को अपने साथ में जोड़ते हैं। और आज क्लास टेंथ के लिए साइंस का ये सब्जेक्ट है, और इसके लिए हमने जो यहाँ अपने साथ एक्सपर्ट को जोड़ा है, मैं उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया। प्रियंका जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपसे मिलकर और आपसे बात कर अब हम और भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हमें बहुत सी जो जानकारियां हैं वो मिलने वाली हैं, अपने दर्शकों से हम उसे साझा करने वाले हैं। तो मैम, आज के हमारे खास सेशन में क्या कुछ खास बच्चों के लिए? बिल्कुल गीतांजलि जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ में हमने पहले भी इस चैप्टर को लेकर सेशंस किए हैं, तो एक्चुअली गीतांजलि जी इसमें पूरे चार हमारे सेशंस रहे हैं। हाँ। और लास्ट 3 सेशंस हम स्टूडेंट्स के साथ कर चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को करने की कोशिश करी थी जी। और आज हमारा लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, जिसमें कि हम एक सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि आज हम ये देखेंगे कि हमने जितनी भी चीजों को समझा है अब उनकी समझ हमें कितनी है। तो कुछ क्वेश्चन आइटम्स मैंने फ्रेम किए हैं, कुछ अलग अलग तरह के मैंने टास्क और एक्टिविटीज डिजाइन किए हैं, उनकी मदद से हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे जी। तो प्रियंका जी, बिल्कुल आप सेशन स्टार्ट करिए, लेकिन उससे पहले हम अपने जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स इस वक्त इस सेशन को देख रहे हैं या जितने भी बड़े भी हमारे साथ इन सेशन में जुड़ते हैं, तो हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपको दोबारा से जानने की जिज्ञासा जैसे कहते हैं कि अगर हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन के अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और फोन करने के लिए हमारा जो फोन नंबर है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 8800440559। और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं dth.class9@ciet.nic.in। यह हमारा ईमेल आईडी है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न आता है इस सेशन से जुड़ा हुआ या फिर इससे इतर भी, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से हम प्रियंका जी की ओर रुख कर रहे हैं। प्रियंका जी, अब ये पूरा सेशन आपका है, क्या कुछ खास बच्चों के लिए लाए हैं आप और क्या उनसे जानकारियां साझा करने वाली हैं आप? सेशन शुरू करते हैं। धन्यवाद गीतांजलि जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को एक क्विक रिवीजन कराना चाहूंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के तीनों सेशंस अटेंड किए हुए हैं तो आपको याद होगा कि हमने क्या क्या किया है। जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था गीतांजलि जी, तो वहां पे स्टूडेंट्स को सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या है, सेल का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ। यानी कि कोशिका का हमारे शरीर में क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम किस तरह से समझते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये भी चर्चा करी थी कि सेल को सबसे पहले कैसे देखा गया, किस तरह से माइक्रोस्कोप्स बने और कैसे कैसे एडवांसमेंट हुआ। हमने ये भी बात करी थी कि सेल की जो थ्योरी है वो कैसे डेवलप हुई और कौन कौन से वो वैज्ञानिक थे जिसमें जिन्होंने अपना योगदान दिया इस चीज के लिए। इसके अलावा फिर हमने ये बात करी थी कि किस तरह से अगर हम एक सेल को खुद देखना चाहें, एक शिक्षार्थी के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर अगर हम देखना चाहें, तो किस तरीके से हम खुद एक टेम्पररी स्लाइड को अपने स्कूल में बना सकते हैं। हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, लेकिन उसके अलावा हम कहीं से भी, हमने बात करी थी कि जैसे अनियन पील को हम स्लाइड बना सकते हैं, या फिर हमने चीक सेल्स की भी बात करी थी न्यूक्लियस के संदर्भ में। तो इस तरह से हमने एक प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट को भी समझा था, और उसके बाद में हमने सेल के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को डिटेल में समझा था, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके बाद में हमने टुवर्ड्स द एंड सेशन का आते आते हमने बात, बिल्कुल प्रियंका जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे पीपीटी आप जरा एक बार देख लें इसे। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको स्टूडेंट्स?
सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अलग अलग क्वेश्चन आइटम्स बनाए हुए हैं। गीतांजलि जी, आई होप आप देख पा रही हैं इसको। आ, जी 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 हम देख भी रहे हैं। स्लाइड चेंज हो गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं कुछ मजेदार मैं कहूंगी कुछ एक्टिविटीज लेके आई हूँ। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस सेशन को देखने से पहले जरूर आप पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को। और अगर आप पढ़ के आए हैं तैयार होके आए हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि तैयार होके आइएगा, तो आई एम श्योर अगर आप पढ़ के आए हैं तो इन सारे क्वेश्चंस पे आप विचार भी कर पाएंगे और इनको आप सॉल्व भी कर पाएंगे आंसर दे पाएंगे आप जी। तो इसमें कुछ वैरायटी गीतांजलि जी मैंने रखने की कोशिश करी थी क्वेश्चंस में। तो जैसे कि आप देख पा रही हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक तो क्रॉसवर्ड पजल बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हम जब भी असेसमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि एक क्वेश्चन आएगा उसका हमें आंसर देना होगा, लेकिन ये भी बहुत एक मजेदार बात है कि बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू हम मजे मजे में भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, सीख जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि एक डिफरेंट फ्लेवर को लाने के लिए क्रॉसवर्ड पजल को रखना चाहिए, तो मैं उसकी भी बात करूंगी स्टूडेंट से। इसके अलावा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने रखे हैं, एमसीक्यूज रखे हैं, जिसमें की चार ऑप्शन होते हैं, स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर चूज करना होता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, कुछ पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है, कुछ लिविंग से रिलेटेड टास्क हैं जो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अटेंड करें। ऑफ कोर्स अब वो घर पे बैठ के कर रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो हेल्प लें, बिना हेल्प किए वो सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि वो समझ पाए कि उन्होंने कितना समझा है और उनको कितना याद है जी। ये मैंने एक टास्क रखा है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, गिव द रीजंस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, और लास्ट में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट क्वेश्चंस कुछ मैंने रखे हैं। तो ये पूरा एक मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक इस तरह से मैंने इसकी संरचना करी है, पूरी डिटेल है। अब अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं क्रॉसवर्ड पजल से स्टार्ट करना चाहूंगी स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्रॉसवर्ड पजल मैंने एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अक्रॉस और डाउन करके लिखा हुआ है। अक्रॉस का मतलब है कि जब हम हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं, लेफ्ट से राइट हम देख रहे हैं अगर, तो किस तरह से हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अगर डाउन देखेंगे तो वो वर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हाँ। तो यहाँ पे जैसे क्या है, कुछ क्लूज दिए गए हैं। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुरुआत में अगर आप देखेंगे अक्रॉस में नंबर टू के आगे लिखा है फूड सिंथेसाइजिंग पिग, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है कि हमारे सेल में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है और उसके अंदर कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसको फूड सिंथेसाइजिंग यानी कि खाना बनाने वाला पिगमेंट हम कहते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आपको नंबर टू पे जाना है और फिर आपको देखना है कि वो वर्ड हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि अगर आपका आंसर सही है तभी आप इसको फिट कर पाएंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो या तो ज्यादा वर्ड्स का वर्ड हो जाएगा या तो कम वर्ड्स का वर्ड हो जाएगा, तो वो यहाँ फिट नहीं होगा। इसी तरीके से हम नंबर फोर को देखें, द टाइप ऑफ सेल विद न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो कौन सी तरह की सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। If you know the answer, then you have to go to number 4 and you have to say that horizontally ये word यहाँ fit। इसी तरीके से आप down में across में देख सकते हैं। तो अलग अलग number है, उसमें अलग अलग clues दिए हुए हैं, उनको आपको देखना है और उसकी मदद से आपको इसको solve करना है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे food pigment की बात करी गई है, इसमें without nuclear membrane कौन कौन सा nucleus होते हैं cell में, सेल का क्या टाइप होता है उसकी बात करी गई है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, that you should know. Which is the fundamental unit of life, which is the energy currency of cell, suicide-based cell का जो वहाँ जाता है, तो ये वो शब्द हैं गीतांजलि जी जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के टिप्स में होने चाहिए, उनको पता होने चाहिए अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिटेल में अपने सेशंस में डिस्कस करी थी लास्ट टाइम। इसी तरीके से डाउन में आप देख सकते हैं, हाँ। तो इसमें डैश आगे है, फिर ये कौन सा डिवीजन प्रोसेस है थ्रू विच वन सेल फॉर्म्स टू रेड सेल, तो ये कौन सा डिवीजन है, तो ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, तो अगर बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो वो आंसर कर पाएंगे। द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल का पावर हाउस कौन सा होता है, तो ये आंसर आपको अगर पता है, आपने पढ़े हुए हैं, आपने समझे हुए हैं, तो बहुत मजे मजे में इस क्रॉसवर्ड पजल को स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप इसको अटेम्प्ट करें। इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी चीज सामने है, और थोड़ा सा टाइम लेके जब भी आप ये देखेंगे, लाइव इंटरेक्शन देख रहे हैं या आगे आप भी रिपीटेड देखेंगे, तो पॉज करके जरूर इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। तो गीतांजलि जी एक तो ये मैंने रखा, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप दूसरा एक चीज जो है वो स्टूडेंट्स के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
बिल्कुल सही आपने कहा। ये दूसरी चीज मैंने रखी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एमसीक्यू का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं तो उसमें बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जो बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं, तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होता है कि एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये काफी डिमांडिंग होते हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है तो वो सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं किया हुआ तो कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं जी। तो इसीलिए ये बहुत मजेदार भी रहते हैं, और बहुत मैं कहूंगी इनके अंदर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी भी होती है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि किस किस तरीके से हम रेलेवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। सो फॉर एग्जांपल गीतांजलि जी, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट हमारा सीसी का चैप्टर का है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है। सो सी स्टूडेंट्स, इफ अ क्वेश्चन इज लाइक दैट, अ सेल विल स्वेल अप the concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecule in the surrounding medium. Second, the concentration of water molecule in the surrounding medium is higher than the water molecule concentration in the cell. Third, the concentration of water molecule is same in the cell and in the surrounding medium. And fourth, concentration of water molecule does not matter. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि ये सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन की जो बात करते हैं हम, कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन कितना है या सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उस प्रोसेस को पूरा हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का इसमें क्या रोल है। अगर आपको ये सब कुछ पता है तब आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। सो आई एम श्योर आप इस चीज को पढ़ेंगे और इनमें से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज। आंसर में यहाँ पे गीतांजलि जी नहीं बता रही हूँ स्टूडेंट्स को जानबूझ के, क्योंकि अगर हम पहले आंसर बता देते हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स कई बार होता है कि अब आंसर पता चल ही गया है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी हम सोचने का मौका देते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो इसलिए असेसमेंट के टाइम पर मैंने क्वेश्चंस को मैं समझा रही हूँ उनको किस तरह से हो सकता है, लेकिन आंसर में नहीं बताऊंगी। आंसर में चाहूंगी कि पूरे सेशंस को देखें स्टूडेंट्स, अपनी बुक को पढ़ें और उसके बाद उनको अटेम्प्ट। बिल्कुल हाँ। तो इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस सेशंस। सो इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स यू विल नो दैट हाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। सो व्हाट डू वी कॉल दैट थिंग, आर वी कॉलिंग इट न्यूक्लियस और आर वी कॉलिंग इट समथिंग एल्स। सो यू कैन सी द ऑप्शंस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोइड, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, और आपको ये बताना है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जब होती है तो उसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं। ओके, सो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा गीतांजलि जी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेट। तो जब हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था चैप्टर, इसमें हमने एक सेल ऑर्गेनेल की बात करी थी, व्याख्या हुई थी, जिसकी गीतांजलि हमने पूरे फंक्शंस के बारे में बात करी थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जी, थी जी। तो अगर स्टूडेंट्स ने रेक्योल को अच्छे से समझा हुआ है तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो उसका फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आल्सो वेल, क्वेश्चन इज नॉट सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। आपको वो इसमें ऑप्शन चूज करना है जो आपको लगता है कि नहीं डेफिनेटली ये फंक्शन तो वैक्यूल का नहीं होगा। तो जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया गया है स्टोरेज, providing turgidity and rigidity to the cell, waste excretion, locomotion. तो ये चार चीजें यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि certainly vacuole का फंक्शन नहीं है, so that you have to know and attempt. So similarly, Gitanjali ji, there is one more question, relevant question from the topic, that says organelle other than nucleus containing DNA. Now this is very interesting students, because when we were discussing the concepts, we have discussed that usually this is the understanding that all the all the genetic material, chromosome, DNA is inside the nucleus of a cell only. But there are certain cell organelles which are there and they also have the DNA, they have their independent DNA. So students should know that which cell organelles are there in the cell which have their own DNA, jinka apna deoxyribonucleic acid hota hai, jo ki hamara primarily RNA भी हो सकता है, DNA, RNA दोनों में से ये हमारा genetic material। तो कौन से ऐसे cell organelles हैं जिनके पास अपना DNA होता है? तो students ने पढ़ा हुआ है endoplasmic reticulum के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने Golgi apparatus के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने mitochondria के बारे में पढ़ा हुआ है और lysosome के बारे में।
तो मैं चाहूंगी कि इन चारों को आप अच्छे से समझें और ये बताएं कि इन चारों में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके पास अपना डीएनए होता है। और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें पता हो, क्योंकि जिसके पास अपना डीएनए होगा गीतांजलि जी, ये बात हम समझ सकते हैं कि उसके पास अपनी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी भी होगी। डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो ये बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी सेल अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरी सेल बना सकती है, एक से दो सेल बना सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल भी है सेल के अंदर जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है? क्या उसके पास अपना डीएनए है? क्योंकि इससे बहुत अलग अलग रिजल्ट आते हैं हमारी बॉडी पे या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको भी आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप कितना करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके साथ बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी, तो वहां पे अब ये क्वेश्चन बड़ा वैसे तो सिंपल है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर पाएंगे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय हु? श्लाइडर एंड शोन, बच्चो हु और हेकेल। दीज आर वेरी फेमस नेम्स इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी। सो इन्होंने सबने ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपना किया है, काफी मैं कहूंगी काफी खास योगदान इन्होंने किया है। लेकिन सेल थ्योरी किसने दी है ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तो अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है तो दैट विल बी इजी। जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है गीतांजलि जो स्टूडेंट्स के लिए मैं लाई हूँ, कलरलेस प्लास्टिड्स आर मोनोस। तो अब ये बात है कि जब हम प्लास्टिड के बारे में सुनते हैं, जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुनते हैं स्टूडेंट्स, तो एक पहली अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि ये तो फिर ग्रीन कलर का है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, वो कौन सा प्लास्टिड है जो कि कलर नहीं है? ग्रीन की तो बातें नहीं हो रही है, कलर नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सो इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। सो यू शुड नो द फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, यू शुड नो व्हाट इज द वैरायटी ऑफ प्लास्टिड एंड हाउ वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, एंड कीपिंग दैट इन माइंड व्हिच वन इज द कलरलेस प्लास्टिड। जी, सो वन मोर क्वेश्चन गीतांजलि जी फॉर स्टूडेंट्स, द फेनोमेना बाय व्हिच प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल श्रिंक्स फ्रॉम द सेल वॉल। So this is very important because you know we have discussed all these concepts with the student which are there in the options. We have discussed plasmolysis, we have discussed osmosis, we have discussed diffusion, we have discussed glycolysis. So students, you should know which process involves that the overall content inside the cell, the protoplasm means nucleus and cytoplasm, gets shrink away from the cell wall. So you should know whether this is osmosis or this is plasmolysis, this is diffusion or glycolysis. इसको देखिए और कॉन्सेप्ट को आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल टेक्स प्लेस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की लोकेशन सेल में कहां है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फूड ब्रेकडाउन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, आपके ब्लड से डिफरेंट सेल्स में गया। वहां जब ये सेल में गया ग्लूकोज, तो उसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भी पहुंच रही है, ग्लूकोज भी पहुंच रहा है सेल में। तो वहां पे जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन यूसेज की बात कर रहे हैं, तो वहां उसको हम किस सेल ऑर्गेनेल से रिलेट कर सकते हैं? इज इट माइटोकॉन्ड्रिया, इज इट क्लोरोप्लास्ट, इज इट राइबोसोम और इज इट लाइसोसोम? तो ये आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको पता है डाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है, रेस्पिरेशन का क्या रिलेशनशिप है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का क्या रिलेशनशिप है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज इट। अब इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन गीतांजलि जी, मैंने सोचा स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर। तो हमारी जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी प्रोटीन भी होता है, उसमें लिपिड भी होता है। अब ये प्रोटीन और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में आ रहा है, ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है? तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पे वो प्रोटीन और लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है वो मैन्युफैक्चर? तो इज इट लाइसोसोम, क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो ये आपको देखना है। एक और क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स कैन यूजुअली बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल सेल्स बिकॉज ओनली प्लांट सेल्स पजल। नाउ अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो ऐसे कौन सी चीजें जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये आपको समझना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्रोमोसोम एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सिर्फ प्लांट सेल्स? तो ऑफकोर्स फॉर दैट यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू।
अब गीतांजलि जी इसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ये इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट ट्रिकी, स्टूडेंट्स को उसका आंसर तभी आएगा जब वो जानते हो, जैसे कि वेयर आर जीन्स लोकेटेड, तो आपसे अगर कोई पूछे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कि जीन्स की लोकेशन कहाँ होती है, जीन्स कहाँ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सेल का स्ट्रक्चर है और कौन सी जगह पे हमारे जीन्स होते हैं। राइट, अमूमन हम जानते हैं प्रियंका जी कि जीन्स अक्सर कहते हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन किस तरह से काम करते हैं और कैसे वो होते हैं जी, ये जानना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल गीतांजलि जी, आई एम कम्प्लीटली, आई वुड से आई एग्री विद यू, क्योंकि ये कॉमन यूसेज में बहुत ज्यादा होता है कि भाई डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो है कहाँ, तो ये चैप्टर जब स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया तो उसके बाद में दे शुड बी इन पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये भी बड़ा एक वो है, कई बार हमें ये तो पता है लाइसोसोम क्या है, हमें ये तो पता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पर अब कौन सा ऑर्गन है जो लाइसोसोम को बना रहा है, तो ये अगर स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेल ऑर्गन है जो लाइसोसोम को बना रहा है। इसके अलावा विच ऑर्गेनेल सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अब सेल में साइटोप्लाज्म भी है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस भी है, अब इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हेल्प करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, और कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसमें ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बीच में इंटरकनेक्शन बनाकर और उसके बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को फैसिलिटेट, तो ये आपको आंसर यहाँ पे करना है। नंबर ऑफ गॉल्जी बॉडीज इज मोर इन सेल्स विच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गीतांजलि जी, क्योंकि क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि कोई हमारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे जो सेल्स होती हैं तो वहां पे गॉल्जी बॉडी का नंबर ज्यादा होता है ना, तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों गॉल्जी बॉडी का नंबर ज्यादा उन सेल्स में क्यों हो जाता है जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, अगर उनको गॉल्जी बॉडी का रोल पता है, स्ट्रक्चर पता है, फंक्शन पता है, देन दे विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्स, पोर्स मींस स्मॉल टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो वी नो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, नाउ व्हाट इज द रोल, इफ समथिंग इज देयर इन द बॉडी, आवर बॉडी इज आई वुड से गीतांजलि जी आई मीन वी आर द फाइनेस्ट मशीनरी, हमारी बॉडी जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं और इतना परफेक्टली वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, तो इसीलिए अब ये भी जरूरी है कि अगर न्यूक्लियस है उसमें पोर्स है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, तो स्टूडेंट्स इसको जरूर आप आंसर करिए और सोचिए कि उसका क्या रोल है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गीतांजलि जी, और मैंने जानबूझ के रखा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम साइंस पढ़ते हैं कई बार तो हम उसको साइंस में ही लिमिटेड हो जाते हैं, बट साइंस कभी भी सोसाइटी के आइसोलेशन में इंसिस्ट नहीं करती है, साइंस हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बनाया, इस दुनिया को समझने के लिए बनाया, लेकिन ये समाज से बाहर नहीं है, तो कई बार इसके रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन ये कहता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, अब ये बहुत सारी हम जानते ही हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसमें कई बार कन्या भ्रूण हत्या की बात करी जाती है, और ये देखने को भी मिला गया है कि इलीगल तरीके से टेस्ट कराया जाता है, तो इसका अगर हम देखें तो रोल ये है कि सेक्स डिटरमिनेशन पहले ही होता है, पहले हम देख लेते हैं कि लड़का है लड़की है मां के घर, जो कि इलीगल भी है और अनएथिकल भी है, क्योंकि दोनों की लिंग बराबर है और दोनों की क्षमता बराबर है, समाज में दोनों का ही योगदान बराबर है, तो स्टूडेंट्स से मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले तो ये समझें कि सेक्स डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आता कहाँ से, हम कई बार ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में गीतांजलि जी कि हम माँ को ब्लेम करते हैं कि लड़का हुआ है लड़की हुई है इसलिए माँ जिम्मेदार है, बहुत सारी एट्रोसिटीज और बहुत सारे हम जिसको कहते हैं अत्याचार भी हम देखने को हमें मिलते हैं अलग अलग यूनिट में, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जायज है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझें तो क्या हम सेक्स डिटरमिनेशन करना जो है वो सही है, क्या अगर हम भेदभाव की बात करें लड़के और लड़की के बारे में तो क्या वो सही है, तो ये चीज हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिकली पहले तो इस क्वेश्चन को आंसर करें कि सेक्स डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर जो उनकी साइंटिफिक नॉलेज है उसको ना केवल अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने जान पहचान में, हर जगह अवेयरनेस भी लाएं यानी कि पहले पहले इसे समझें और फिर उसके बाद में और लोगों को भी समझाएं कि इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली है क्या, सही हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल गीतांजलि जी, बहुत जरूरी है क्योंकि साइंस का रोल हमारा तक इतना नहीं है कि हमने पढ़ा और हमने कहा कि हमें साइंस आ गई,
साइंस का मतलब ये है क्योंकि साइंस देखिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ये है कि हर नागरिक जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा ना केवल अपने दूसरे में भी हाँ। तो ये भी जरूरी है हमारी जिम्मेदारी है हमारा संविधान हमको कहता है जी जी स्टूडेंट्स ये चीज आप जरूर करें हाँ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ सेल टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप अब जैसे मैं शुरुआत में कह रही थी कि ये चीज हमने सीखी थी तो इसमें से आप कई तरह से स्लाइड बन सकती है कोई भी टेम्पररी स्लाइड अगर हमें सेल को देखना है माइक्रोस्कोप में तो हम कैसे बनाएंगे क्या प्रोसेस है इसको आपको यहाँ बताना है What is the difference between protoplasm and cytoplasm? कई बार बड़ी confusion होती है इस मेरी तालमेल में। बच्चे सोचते हैं protoplasm भी वही है, cytoplasm भी वही है। लेकिन अगर आपने concept को अच्छे से पढ़ा हुआ है, then you will be in a position to differentiate between the two. So I would request कि आप इसको attend. बिल्कुल जी 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 प्रियंका जी माफी चाहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन जैसा हमने कहा कि हमारे हर सेशन की एक समय सीमा तय होती है ये बिल्कुल मैं आप समझ रही हूं जी प्रियंका जी और वो समय जो है वो हमें ये बता रहा है कि अब हमें अपने स्टूडेंट्स से इजाजत लेनी होगी दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं इसके बाद वाइंड अप कर रही हूं हां टाइम को ध्यान में रखते हुए समय चुके बिल्कुल भी अब बचा नहीं है प्रियंका जी लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो जैसे प्रियंका जी बहुत ही खास ये सेशन लेकर आई हैं मैं तो खुद इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी और जाहिर सी बात है कि आप भी बिल्कुल यही कर रहे होंगे लेकिन अगर इससे जुड़ी कोई भी बात कोई प्रश्न आपका हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं फोन भी कर सकते हैं जैसा हम लगातार आपको बताते आए हैं और अब फिलहाल इस सेशन में प्रियंका जी आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हमारे बच्चों को आपने अपना वक्त दिया है थैंक यू सो मच और फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ईएमई विद्या चैनल के माध्यम से आप यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए हर सेशन के साथ आप जुड़िए क्योंकि हर सेशन बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ समझाता है फिलहाल हमें दीजिए इजाजत नमस्कार